इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप जानते हैं कि एक जरूरी कार्यक्रम के लिए मुझे अमेरिका जाना पड़ रहा है, तो मैंने सोचा कि अच्छा होगा कि अमेरिका जाने से पहले ही मैं मन की बात रिकॉर्ड कर दूं। सितंबर में जिस दिन मन की बात है, उसी तारीख को एक और महत्वपूर्ण दिन होता है। वैसे तो हम लोग बहुत सारे डेज याद रखते हैं, तरह तरह के डेज मनाते भी हैं, और अगर अपने घर में नौजवान बेटे बेटी हो, अगर उनको पूछोगे तो पूरे साल भर के कौन से डे कब आते हैं, आपको पूरी सूची सुना देंगे। लेकिन एक और डे ऐसा है जो हम सबको याद रखना चाहिए, और ये डे ऐसा है जो भारत की परंपराओं से बहुत सुसंगत है। सदियों से जिस परंपराओं से हम जुड़े हैं, उससे जोड़ने वाला है। ये है वर्ल्ड रिवर डे, यानी विश्व नदी दिवस। हमारे यहां कहा गया है, पिबंती नद्यः स्वयमेव नाम्भः, अर्थात नदियां अपना जल खुद नहीं पीती बल्कि परोपकार के लिए देती है। हमारे लिए नदियां एक भौतिक वस्तु नहीं है, हमारे लिए नदी एक जीवंत इकाई है। और तभी तो हम नदियों को मां कहते हैं। हमारे कितने ही पर्व हो, त्योहार हो, उत्सव हो, उमंग हो, ये सभी हमारी इन माताओं की गोद में ही तो होते हैं। आप सब जानते ही हैं, माघ का महीना आता है तो हमारे देश में बहुत लोग पूरे एक महीने माँ गंगा या किसी और नदी के किनारे कल्पवास करते हैं। अब तो ये परंपरा नहीं रही, लेकिन पहले के जमाने में तो परंपरा थी कि घर में स्नान करते हैं तो भी नदियों का स्मरण करने की परंपरा आज भले लुप्त हो गई हो या कहीं बहुत अल्प मात्रा में बची हो, लेकिन एक बहुत बड़ी परंपरा थी जो प्रातः में ही स्नान करते समय ही विशाल भारत की एक यात्रा करा देती थी, मानसिक यात्रा, देश के कोने कोने से जुड़ने की प्रेरणा बन जाती थी। और वो क्या था, भारत में स्नान करते समय एक श्लोक बोलने की परंपरा रही है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधि कुरु। पहले हमारे घरों में परिवार के बड़े ये श्लोक बच्चों को याद करवाते थे, और इससे हमारे देश में नदियों को लेकर आस्था भी पैदा होती थी। विशाल भारत का एक मानचित्र मन में अंकित हो जाता था, नदियों के प्रति जुड़ाव बनता था। जिस नदी को माँ के रूप में हम जानते हैं, देखते हैं, जीते हैं, उस नदी के प्रति एक आस्था का भाव पैदा होता था, एक संस्कार प्रक्रिया थी। साथियों, जब हमारे देश में नदियों की महिमा पर बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हर कोई एक प्रश्न उठाएगा, और प्रश्न उठाने का हक भी है, और इसका जवाब देना ये हमारी जिम्मेवारी भी है। कोई भी सवाल पूछेगा कि भाई आप नदी के इतने गीत गा रहे हो, नदी को माँ कह रहे हो, तो ये नदी प्रदूषित क्यों हो जाती है? हमारे शास्त्रों में तो नदियों में जरा सा प्रदूषण करने को भी गलत बताया गया है, और हमारी परंपराएं भी ऐसी रही है। आप तो जानते हैं, हमारे हिंदुस्तान का जो पश्चिमी हिस्सा है, खास करके गुजरात और राजस्थान, वहां पानी की बहुत कमी है, कई बार अकाल पड़ता है, और इसलिए वहां के समाज जीवन में एक नई परंपरा डेवलप हुई है। जैसे गुजरात में बारिश की शुरुआत होती है तो गुजरात में जल जिलनी एकादशी मनाते हैं,
मतलब कि आज के युग में हम जिसको कहते हैं कैच द रेन, वो वही बात है कि जल के एक एक बिंदु को अपने में समेटना, जल जीलनी। उसी प्रकार से बारिश के बाद बिहार और पूरब के हिस्सों में छठ का महापर्व मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि छठ पूजा को देखते हुए नदियों के किनारे घाटों की सफाई और मरम्मत की तैयारी शुरू कर दी गई होगी। हम नदियों की सफाई और उन्हें प्रदूषण से मुक्त करने का काम सबके प्रयास और सबके सहयोग से कर ही सकते हैं। नमामि गंगे मिशन भी आज आगे बढ़ रहा है, तो इसमें सभी लोगों के प्रयास एक प्रकार से जन जागृति, जन आंदोलन, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, जब नदी की बात हो रही है, माँ गंगा की बात हो रही है, तो एक और बात की और भी आपका ध्यान आकर्षित करने का मन करता है। बात जब नमामि गंगे की हो रही है, तो जरूर एक बात पर आपका ध्यान गया होगा और हमारे नौजवानों का तो पक्का गया होगा। आजकल एक विशेष ई ऑक्शन, ई नीलामी चल रही है। ये इलेक्ट्रॉनिक नीलामी उन उपहारों की हो रही है जो मुझे समय समय पर लोगों ने दिए हैं। इस नीलामी से जो पैसा आएगा वो नमामि गंगे अभियान के लिए ही समर्पित किया जाता है। आप जिस आत्मीय भावना के साथ मुझे उपहार देते हैं, उसी भावना को ये अभियान और मजबूत करता है। साथियों, देश भर में नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए, पानी की स्वच्छता के लिए सरकार और समाज सेवी संगठन निरंतर कुछ न कुछ करते रहते हैं। आज से नहीं, दशकों से चलता रहता है। कुछ लोग तो ऐसे कामों के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके होते हैं और यही परंपरा, यही प्रयास, यही आस्था हमारी नदियों को बचाए हुए हैं। और हिंदुस्तान के किसी भी कोने से जब ऐसी खबरें मेरे कान पे आती हैं, ऐसे काम करने वालों के प्रति एक बड़ा आदर का भाव मेरे मन में जगता है और मेरा भी मन करता है कि वो बातें आपको बताऊं। आप देखिए, तमिलनाडु के वेल्लोर और तिरुवन्नामलाई जिले का एक उदाहरण देना चाहता हूं। यहाँ एक नदी बहती है, नागा नदी। अब ये नागा नदी बरसों पहले सूख गई थी, इस वजह से वहां का जलस्तर भी बहुत नीचे चला गया था, लेकिन वहां की महिलाओं ने बीड़ा उठाया कि वो अपनी नदी को पुनर्जीवित करेगी। फिर क्या था, उन्होंने लोगों को जोड़ा, जन भागीदारी से नहरें खोदी, चेक डैम बनाए, रिचार्ज कुएं बनाए। आपको भी जानकर के खुशी होगी साथियों कि आज वो नदी पानी से भर गई है। और जब नदी पानी से भर जाती है ना, तो मन को इतना सुकून मिलता है। मैंने प्रत्यक्ष इसका अनुभव किया है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि जिस साबरमती के तट पर महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम बनाया था, पिछले कुछ दशकों में ये साबरमती नदी सूख गई थी। साल में 6-8 महीने पानी नजर ही नहीं आता था, लेकिन नर्मदा नदी और साबरमती नदी को जोड़ दिया। तो अगर आज आप अहमदाबाद जाओगे तो साबरमती नदी का पानी ऐसा मन को प्रफुल्लित करता है। इसी तरह बहुत सारे काम जैसे तमिलनाडु की हमारी ये बहनें कर रही हैं, देश के अलग अलग कोने में चल रहे हैं। मैं तो जानता हूं कई हमारे धार्मिक परंपरा से जुड़े हुए संत हैं, गुरुजन हैं, वे भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ पानी के लिए, नदी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कई नदियों के किनारे पैड लगाने का अभियान चला रहे हैं, तो कहीं नदियों में बह रहे गंदे पानी को रोका जा रहा है। साथियों, वर्ल्ड रिवर डे जब आज मना रहे हैं, तो इस काम से समर्पित सबकी मैं सराहना करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन हर नदी के पास रहने वाले लोगों को, देशवासियों को मैं आग्रह करूंगा कि भारत में कोने कोने में साल में एक बार तो नदी उत्सव मनाना ही चाहिए।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।